ऑन द पेंडेमिक सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा जो डॉक्टर गुलेरिया ने भी हाईलाइट करी, ये हमें याद रखना चाहिए, हर बार ही याद दिलाने की ज़रूरत रहती है कि जो अगर आज हम ये डिक्लाइन ऑफ केसेस देख रहे हैं क्योंकि हम सब ने एक सोसाइटल बिहेवियर को एग्जिबिट किया, डिसिप्लिन में है और डिसिप्लिन सिस्टम लेवल पे भी है, गवर्नमेंट लेवल पे भी है, स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट लेवल पे भी स्टेप्स हैं, और इसको हमें अब जब कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम हो रही हैं स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में धीरे धीरे, बहुत नाजुक स्थिति से हम गुजरेंगे कि फिर कहीं वायरस अपना प्रकोप ना बढ़ाए, इसलिए जिम्मेवारी से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना है, भीड़ नहीं करनी है, लार्ज गैदरिंग्स पार्टीज का कोई वक्त नहीं है, अभी बिल्कुल वो टाइम नहीं आया है, और शायद अगले कई महीनों तक हमें इसके बारे में सजग रहना होगा कि उन चीज़ों से जिसकी वजह से वायरस का इतना प्रकोप बना उनको हम अवॉइड करें, और ये दिखा सकते हैं ऐसा सब करते हुए कि ज़िंदगी भी चल सकती है और वायरस भी कंट्रोल में रह सकता है, और अगर हम चार पाँच छः महीने इस ये वक्त निकाल देते हैं तो ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम एस्केलेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है और उपलब्धता बड़े तरीके से बढ़ रही है, एक वाइब्रेंट प्रोग्राम अब उभर के आया है और निश्चित हुई है यूनियन गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी कल के फैसले के बाद, तो आगे हम एक नई चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम अपने आप को बचाएं, इकोनॉमी को बचाएं और एक एग्जांपल पेश करें कि इतना बड़ा देश, आपने आज के डेटा भी देखा कंपैरिजन का, इतना बड़ा देश इस महामारी का मुकाबला ठीक तरीके से कर रहा है, करेगा, जाने बचाएगा और आगे एग्जाम्पल पैदा करेगा, और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे में इतनी ताकत है, इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन अपनी धरती पे पैदा कर रहे हैं, अपने आप बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।